अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओमान के नेशनल डे के हवाले से। बहुत गुड, अच्छी खबर है, इट्स वेरी गुड न्यूज़ के ओमान का 50वां, ये जो है 2020 साल, ये 50वां जो है वो ओमान का नेशनल डे, कौमी दिन जो है वो मनाया जाएगा। और इस दिन की मुनासबत से हर साल जो है डिफरेंट लोगों जो हैं वो इशू किए जाते हैं। 49वें साल डिफरेंट था, उससे पहले साल डिफरेंट था, यानी हर साल डिफरेंट डिफरेंट लोगों इशू किया जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होता है। और सुल्तान ऑफ ओमान जो इस साल सुल्तान हैथम बिन तारक हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिया है वो लोगों। मैंने पिक्चर भी शेयर कर दिया, यू कैन सी ऑन स्क्रीन। और उम्मीद करते हैं कि इस साल जो है वो हम बहुत मिस करेंगे मरहूम सुल्तान कबूस बिन सईद को, और हम उम्मीद करेंगे कि सुल्तान हैथम बिन तारक उन्हीं की तरह जो है लीड करेंगे मुल्क को और अच्छी से अच्छी स्टेज पर जो है लेके जाएंगे। और ओमानी भी तरक्की करेंगे, जितने भी लोग बाहर के ममालिक से काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम भी तरक्की करेंगे। सो दुआ करें सुल्तान हैथम बिन तारक के लिए, ओमान के लिए, ओमान की अवाम के लिए, और बाकी देकर तमाम ममालिक के जितने भी लोग ओमान में, हम सब के लिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और सुल्तान ऑफ ओमान को इसी तरह जो है हमारे लिए इकदाम करने की अल्लाह ताला तौफीक दे, और मुल्क को बेहतर बनाने के लिए उनकी कोशिशें हैं वो कामयाब होती रहें। सो सबके लिए खैर मांगे, भलाई मांगे। नेशनल डे का लोगो जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया, यू कैन सॉ द पिक्चर। और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल जो है नेशनल डे वो भी जोश व खरोश से मनाया जाएगा, लेकिन सादगी से मनाने का कहा गया है। वी विल मिस आवर बिलव्ड लेट सुल्तान कबूस बिन सईद, उनके लिए, उनकी मौफित के लिए, उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करें। दुआ करें इंशाल्लाह खैर। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।